तो वही तो कैसे आप सभी लोग तागा में कोर नहीं उड़ रहे हैं। फिर खेल रहे हैं शेडो फाइट 300। आज की वीडियो में मैं यहाँ पे ईटूस प्लेन को खेलने वाला हूँ। मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरे यहाँ पे जून्स प्लेन कंप्लीट हो गया था। यहाँ से ये कुछ मुझे रिवॉर्ड मिल गया है अभी लॉग इन करने पे। चलो देखते हैं यहाँ से भी कुछ मिल रहा है। क्लेम कर लिया मैंने सब कुछ। स्टेबिलिटी अपनी इंक्रीज हुई है नॉर्मली। गिफ्ट भी अपने को मिल रहा है तो स्क्रैच में करूँगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा रहा है। मुझे कीज़ भी मिल रही होगी कुछ, तो कीज़ को भी मैं खोलने वाला हूँ। यहाँ से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, सबको कैंसिल करता हूँ। जैसे गेम चालू करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता है, बट मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सीधा जाना की के लिए। 5 एपिक की मैंने परचेज कर ली है। और भी देखते हैं यहाँ पे इवेंट ऑफर्स वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा क्या? अगर मिलता है तो ठीक है, बट नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, बट देखने में क्या जाता है ना। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। स्पेशल ऑफर्स में भी मैं चेक कर लूँ एक बार, शायद यहाँ पे अपने को यहाँ पे वो गिफ्ट मिलेगा ना। मैंने उसको ओपन नहीं किया है। ये रहा, तो ये गिफ्ट वाला कार्ड मैं ओपन करके देखता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। कुछ तगड़ी सी चीज़ मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। अरीना उसके ऊपर लिखा हुआ है। ओपन करूँगा मैं स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, 17 पीसेस जो कि ठीक ठाक है यार। भाई 15 लेजेंडरी की मिल चुकी है। देखते हैं शायद लेजेंडरी की चेस्ट भी ओपन हो रही होगी। अगर हो रही होगी तो कर लेंगे, और नहीं हो रही होगी तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये कुछ मिल गया। मैगी मैम ऐसा कुछ जिसका नाम है, किसी काम का नहीं है। एक बार चेस्ट देख लो। हो रही भाई, एपिक की भी हो रही है, लेजेंडरी की भी हो रही है। नहीं यार, उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। एपिक की बारी है। यहाँ पे भी मुझे कुछ उतना ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला है, तो छोड़ दे इन सब चीज़ों को। यहाँ पे तो कुछ भी दम वाली बात नहीं है। सीधा मैं सोच रहा हूँ चलते हैं फाइट के लिए। अब मैं यहाँ पे ईटूस प्लेन को फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ लिखा दिखा रहा है। बिहाइंड अ वेयर हाउस एन ओल्ड मैन फिक्स अ शेडो बर्ड था। अब मैं पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि यार अपनी पढ़ने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, बट जितनी भी है मैंने पढ़ने की कोशिश करी। मुझे पता है उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ईटूस प्लेन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हम ईटूस प्लेन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं जून्स प्लेन से। यहाँ पे कुछ कुछ दिखा रहा है। ह्यूमन नाम है इसका, भाई ह्यूमन ही होगा, भाई जानवर तो नहीं होगा। राउंड वन में फाइट हो रही है। भाई बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। ये कुछ रोबोट टाइप का लग रहा है। सही डैमेज लग रहा है वैसे। भाई एक सेकंड, मेरी हेल्थ के ऊपर क्या दिख रहा है? ये जंजीरी टाइप का, मुझे नहीं पता ये क्यों दिख रहा है। अगर आपको बता दो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर इसका कुछ एडवांटेज भी है, या फिर ऐसे ही बस डिज़ाइन के लिए, लुक्स के लिए दिख रहा है ऐसा। सामने वाले मेरे अपोनेंट की हेल्थ देखो नॉर्मल दिख रही है, मेरी हेल्थ के ऊपर देखो कुछ निशान दिख रहा है ना, पता नहीं क्या चीज़ है। जो भी हो, क्या मतलब मेरा, अगर कुछ काम आएगा तो मैं देख लूँगा किस काम आता है ये। हो सकता है इससे मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम जाए, जो भी होगा देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, अभी तो नहीं पता। मैंने दोनों राउंड इसको परफेक्ट तरीके से हराया है, ये अच्छी बात है। रिवॉर्ड देख लेते हैं एक बार। वही हुआ जो उम्मीद थी, उतना ज़्यादा मुझे अच्छे रिवॉर्ड की उम्मीद भी नहीं थी और मिला भी नहीं है। कोई ना, चलते हैं यहाँ से भी कुछ मिल रहा है अपने को। कॉइन्स भाई देखो, मैं इवेंट भी खेल सकता था, बट भाई इवेंट व्हील्स ऑफ हिस्ट्री वहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला इवेंट आया था इसको मैं खेल सकता था, बट भाई ये रिपीटेड है और रिपीटेड खेलने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है, तो मैं सीधा यहाँ पे स्टोरी को खेलना स्टार्ट कर दिया है। और प्रेस लैपडॉग नाम है इसका, खतरनाक है वैसे ये अगला। हेल्थ भी वैसे उसकी सही जा रही है, बट वो कॉम्बो अटैक दे रहा है मुझे, हारने वाला है बस। ऑल राइट, फर्स्ट वाला राउंड तो मैं जीत चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये सब फाइट इजी के अंदर हो रही है, तो मुझे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला इनको हराने के लिए। और होप करता हूँ मैं ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा आसानी से जीत भी जाऊँगा इन पूरी फाइट्स वगैरह को। अगर कोई न्यू इवेंट होगा तो खेलूँगा, बट यार ये वाला इवेंट मैं पहले भी खेल चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो यार बार बार रिपीटेड चीज़ करने में मज़ा मुझे भी नहीं आता है, खत्म। और आपको देखने में भी मज़ा नहीं आता होगा रिपीटेड चीज़, इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मैं कुछ न्यू ही डालूँ अपने चैनल पे, मतलब यार रिपीटेड रिपीटेड ना डालूँ। चलो ठीक है, रिवॉर्ड ऑल राइट, उतना ज़्यादा अच्छा मिलेगा नहीं, और मुझे उम्मीद भी रहती है। ह्यूमन दिखा रहा है, किट सून दिखा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल हो रही है अगली वाली फाइट, पता नहीं किससे होगी। यहाँ से कुछ मिल रहा है, हाँ 30 की है, या रेयर की 30 की मिली है, तो इसका मतलब रेयर की चेस्ट भी ओपन हो रही होगी, तो मैं करके देख लेता हूँ क्या मिलेगा अपने को। कुछ भी उतना ज़्यादा खास नहीं है, मतलब जैसा मुझे लगा था कुछ तगड़ा सा मिल सकता है, बट ऐसा तो कुछ अपने को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। नेक्स्ट वाली फाइट के लिए चल रहा हूँ। ईटू शेडो माइन यहाँ पे दिखा रहा है, क्या शेडो माइन से फाइट होगी? हाँ लगता तो नहीं है, हो भी सकती है वैसे। भाई ईटू से फाइट हो रही है मेरी तरफ, मतलब ईटू है, देखता है कैसा ईटू। शेडो भाई वैपन ही छूट गया बंदे का, क्या कर लेगा वो।
यार ये तो देखो गलत है ना, वेपन नहीं छूटना चाहिए। कोई ना, चलाएंगे काम। भाई क्या मार रहा है ये, ले खा मार। भाई मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ इसको। अरे यार डैमेज नहीं लग रहा है उतना, देख रहे हो ना कितना कम लग रहा है। ओ यार उसका डैमेज तो सही लग रहा है। मार दो राउंड, शायद हार जाए वो। मैं शेडो की एनर्जी का यूज कर लूंगा। यार हेल्थ तो उसकी भी कमी बची है। अरे यार मुझे समझ ही नहीं आया शेडो की एनर्जी इसकी। मैं हारने वाला, हार गया मैं। यार देखो मुझे इसकी शेडो की एनर्जी समझ में नहीं आई, मैं पता नहीं कैसे हार गया। जैसे भी हार गया आपके सामने है यार, ईटू उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। देखो मैं सच बताऊँ तो नहीं मज़ा आ रहा है यार मुझे इससे खेलने में। इसकी कटाना तो अच्छी है बट जो छूट गई थी ना, अगर होती तो मैं इसको हरा देता। अरे गलत मार रहा है। अभी लगी ना इसका भी वेपन गया, अब इसको पता चलेगा भाई मेरे को कैसा फील हो रहा था बिना वेपन के। चल अब बताएगा, अब पता चलेगा ना तुझे। भाई वैसे फाइट नॉर्मल के अंदर है, इनको हार्ड रखना चाहिए। भाई नॉर्मल तो नहीं लग रही है। टॉर टूबर भाई खतरनाक बंदा है, ऐसे इसको ऐसा कमजोर मत समझो आप। भाई बहुत ज्यादा तगड़ा है, पर आपके भाई से ज्यादा नहीं है। मतलब हम तो यार हार्ड के अंदर भी इसको हरा सकते थे, इंसेंट के अंदर मुश्किल हो जाता, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इम्पॉसिबल तो नहीं होता हरा सकते थे, बट भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। हार्ड के अंदर सही था हरा सकते थे, और नॉर्मल तो हरा ही दूंगा मैं, इसमें तो कोई चांस ही नहीं इसका। अरे भाई गंदा तो मारता है यार। इस बार मुझे ध्यान रखना है वेपन ना छूट जाए, अगर वेपन छूटा तो मैं गया। फिर ये काफ़ी गंदा मार गया, क्या वेपन नहीं बचा है। अच्छा मैं शुरू करने का यूज़ करूँगा। अच्छा ऐसे भी चलता है क्या ये। अरे यार तो ये परेशान कर रहा है मुझे। चलो ये हार गया समझो, मैं यूज़ करूँगा शेडो की एनर्जी का। ऑल राइट टॉर टूबर को तो मैंने हरा दिया है। भाई यार ये पावरफुल था, इसको ऐसे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, आपके सामने की बात है। भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा, इसने भी मुझे डैमेज दिया है। मतलब फर्स्ट वाला राउंड तो इसने मुझे हरा ही दिया था, और आपके भाई ने कमबैक लिया फिर। ऑल राइट चलो अच्छी बात है यार, रिवॉर्ड तो मिला बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिला। कुछ तगड़ा से मिल जाता तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाती। मुझे यहाँ पे ईटूज वगैरह दिखा रहे हैं, नेक्स्ट वाली फाइट भी अपनी इजी के अंदर ही होने वाली है, पता नहीं किससे होगी। 50 जेब्स। एक सोचने वाली बात यह है कि देखो इससे पहले वाली फ़ाइट नॉर्मल थी, तो ये वाली फ़ाइट तो हार्ड होनी चाहिए या फिर नॉर्मल, बट भाई चेंज हो गई, मतलब ईजी आ गई। मतलब वो वाली फ़ाइट यार सच में हार्ड थी, इसलिए नॉर्मल दिखा रहा था। ये कुछ रिवॉर्ड अपने को मिला ईटूज प्लेन के अंदर से, अ हैंड इन माई हेड, ये कुछ यहाँ पे लिखा दिखा रहा है। देखो ये उतना ज़्यादा बढ़िया भी रिवॉर्ड नहीं है, बट अच्छी बात है अपने को मिल गया। एजेंट ईटू से भी कुछ मिल रहा है, 25 जेम्स ही होंगे नॉर्मली, तो वह चेक कर लेते हैं। या पता है ना भाई इसका तो मैं समझ चुका हूँ कि इसमें से जो भी मिलता है 25 जेम्स से ज़्यादा कुछ भी अपने को नहीं मिलने वाला है, बट अच्छी बात है यार जो मिल जाता है उसमें खुश हो जाते हैं। सो यहाँ से भी कीज़ मिल रही है, 8 की मिलने वाली है रेयर की, 4 एंड 4 अलग अलग मिल रही है, 4-4 करके। चलो ठीक है इसको मैंने क्लेम कर लिया। अभी बारी है नेक्स्ट वाली फाइट के लिए चलने की, बताने किससे होगी। मिस्टीरियस जून दिखा रहा है किट्सून, मिस्टीरियस जून दिखा रहा है। फ्रेंडली फेसेस ऐसा कुछ नाम था, मैंने शायद सही पढ़ा होगा। जून्स बॉडी गार्ड यहाँ पर लिखा है, और हैंड से फाइट हो रही है, मतलब वेपन नहीं है, अच्छी बात है। हड़े में सही लग रहा है, अभी तो जाएगी। ये तो कमज़ोर है भाई, बहुत कमज़ोर है। ये किससे फाइट करा दी मेरी, ख़त्म। यार जून बॉडी गार्ड क्या है यार भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ख़राब लग रहा है इसके लिए, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा कमज़ोर जो है। अरे वही नहीं, देखो सेकंड वाला राउंड तो मैं और जल्दी जीतूंगा, क्योंकि मेरे शेडो की एनर्जी है, और इससे इसको डैमेज और ज़्यादा तगड़ा लगेगा। भाई ख़त्म है, फिनिश, परफेक्ट गया मैं। लो ना भाई परफेक्ट ही जीत गया यार, बस 2 बार शेडो की एनर्जी का यूज़ करना था और इसका काम तमाम हो गया। जून्स बॉडी गार्ड का अच्छी बॉडी गार्ड नहीं है जी, उसको कोई दूसरी बॉडी गार्ड चूज़ करनी चाहिए। चलो ठीक है, ऑल राइट
कोई हेलमेट मिला है बिना काम का। नेक्स्ट वाली फाइट किसी बॉस से होने वाली है। यहाँ पे कीबो दिखा रहा है, बॉस दिखा रहा है, मिस्टीरियस जून दिखा रहा है, तो हो सकता है कीबो या फिर मिस्टीरियस जून से अपनी फाइट हो जाए। इन दोनों में से किसी एक से हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है, पर पता नहीं किससे होगी। एपिक की अपने को 30 कीज मिल चुकी है, सो एपिक की चेस्ट भी मैं ओपन करने वाला हूँ। यहाँ से भी कुछ मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिंसेस जून से मिल रहा है 25 जेम्स, इसमें तो बोलने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता चल जाता होगा। हाँ, जो मेरी वीडियो देखते हैं उसको पता चल जाएगा, और जिसने गेम खेला होगा उसको भी पता चल जाता होगा। 25 जेम्स से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने को है। एजेंट कीबो से भी मिल रहा है, इसमें 50 मिलेंगे, 25 25, ठीक है 25 और मिलेंगे। यार देखो, जेम्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं, बट आप अगर बताना कि आपको क्या लगता है कि जेम्स सबसे ज़्यादा काम किस जगह पे आ सकते हैं। वैसे मैं इससे की वगैरह परचेस कर सकता हूँ और चेस्ट वगैरह को भी ओपन कर सकता हूँ। ओके, ये कुछ मुझे रिवॉर्ड मिला है। खैर, इसको मैंने जेम्स से ओपन नहीं किया था, मेरे पास की हो गई थी उतनी, 30 की मिली थी ना एपिक की, उसी से मैंने ये वाली चेस्ट को ओपन किया है। रेयर की भी है, ठीक है। यहाँ से उतना ज़्यादा कुछ तगड़ा नहीं मिला। मैं सोच रहा हूँ कि फाइनल बॉस को भी हरा ही देते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। इटूस प्लेन की फर्स्ट वाली बॉस दिखा रहा है यहाँ पे, किट्सुन दिखा रहा है, तो देखो मुझे लगता है बॉस आ सकती है फाइट के लिए, चांसेस हैं यहाँ पे। बट हंट्रेस किट्सुन आई है, चलो ठीक है, किट्सुन का भी नाम दिखा रहा था बट मुझे बॉस लग रहा था। आएगी प्रॉक्सी, आई एम सॉरी, मेरा नाम प्रॉक्सी है, हो सकता है भाई, खतरनाक है ये, ये जलवा है उसका, हारेगी वैसे तो ये। चल, अरे कॉन्सेंट्रेट, चलो लगाओ कॉन्सेंट्रेट, हरा दिया भाई कॉन्सेंट्रेट करके हंट्रेस किट्सुन वन को। अच्छा, ये किट्सुन वन है तो हो सकता है किट्सुन टू भी आएगी, किट्सुन थ्री भी आएगी, पता नहीं कितनी आएगी, हो सकता है देखो, क्योंकि इसका नाम वन है, वरना वन क्यों होता। शेडो की एनर्जी देखो काम तो करती है, ख़त्म, परफेक्ट ना भाई, परफेक्ट। सेकंड वाला राउंड पे मैंने परफेक्ट हरा दिया, और थर्ड वाले में भी ऐसे ही कुछ होता है तो भाई यार फाइनल बॉस से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर मानी जाएगी। खैर, इजी के अंदर फाइट हो रही है तो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी नहीं बता रहा हूँ, प्रो नहीं बता रहा हूँ, बट फिर भी यार थोड़ा टक्कर तो देना था ना। यू गोट स्ट्रॉन्गर प्रॉक्सी, शायद मेरा नाम प्रॉक्सी है या फिर इसका नाम प्रॉक्सी है, और ये बोल कौन रहा है, मैं या ये, सॉरी दस आर द रूल्स। अरे ये फेंकती काफ़ी था गलत यार, ये तो हरा देगी मुझे, हरा दिया इसने, खत्म यार, मैं गया इसमें, मुझे उम्मीद नहीं जीतने की, कुछ भी हो जाए मुझे उम्मीद ही नहीं है, मैं गया यार। ये जो फेंकती है ना, मुझे इससे बचना पड़ेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो जाता है जब ये फेंकती है ना अपनी तरफ, तो मैं नीचे भी झुकता हूँ बचने के लिए, और आपने देखा मेरा प्लेयर थोड़ी देर बाद तो ऊपर आता ही है ना हमेशा के लिए, तो मैं नीचे झुक के नहीं रह सकता, तभी मुझे डैमेज लग जाता है। एक बार इसका वेपन छूट जाता तो मज़ा आ जाता, और जो कि छूटेगा नहीं, दो सोड है भाई, दो सोड है मेरे पास भी, दो है वैसे तो, इसके अंदर से लाइट जल रही है, कैसे उड़ उड़ के मारती है। चलो ठीक है, अरे शिट, यही इसी चीज़ को तो मुझे यही चीज़ पसंद नहीं है। चलो ठीक है, हार गई है, फाइनली दिस इज़ ओवर भाई। पावरफुल तो देखो थी किट्सुन, अगर मैं हार्ड या फिर इंसेंट में फ़ाइट करता ना तो मेरी भाई हालत ये ख़राब कर देने वाली थी, और हरा दिया मैंने इसको। रिवॉर्ड एक बार चेक कर लेते, ठीक है यार, ये कुछ रिवॉर्ड मिला है, मुझे पता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बॉस किट्सुन यहाँ पे दिखा रहा है, पता नहीं क्या क्या है, बॉस किट्सुन हरा दिया ना मैंने, हो सकता है बॉस भी आ जाए आगे फाइट के लिए। यार मुझे लगता है कि मैंने बॉस को पहले भी हराया हुआ है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ हराया नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है। यहाँ से कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, 450 शेडो की एनर्जी है, चलो ठीक है। की से भी कुछ मिलेगा मुझे, और स्टोरी से भी कुछ मिल रहा है, सो 25 जेम्स ही होंगे, नहीं कुछ अच्छा, द स्ट्रेंजर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पढ़ने का सिस्टम था, तो भाई पढ़ के क्या ही मिलने वाला है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये कुछ था आज की वीडियो में, वीडियो को यहीं पे कर देते हैं। मैंने आज एक बॉस को हरा दिया, इटूस प्लेन के फर्स्ट बॉस को हरा दिया, किट्सुन हंड्रेड्स किट्सुन वन नाम था उसका। कमेंट बताना आपको कितनी ज़्यादा पावरफुल लगी वीडियो, में मतलब वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेकर सब्सक्राइब, शेडो वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूं किसी और मेरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।